आज हम लेकर आए हैं गर्मी में बनने वाला रिफ्रेशिंग आम पन्ना बनाने की रेसिपी। आम पन्ना लू से बचाता है और ये पेट को काफ़ी ठंडा रखता है। आप इसे इस गर्मी में ज़रूर ट्राई करें। सबसे पहले हम आम को बॉईल करेंगे एक पैन में, या फिर आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में भी बॉईल कर सकते हैं। 2 से 3 कच्चे आम को उबलते हुए पानी में ऐड कर दें। ऐड करने के बाद आप इसे ढक के लगभग 10 से 15 मिनट तक बॉईल करें। फ्लेम को मीडियम रखें और प्रेशर कुकर में 1 से 2 विस्टल्स आते ही आप फ्लेम ऑफ कर सकते हैं। ये देखिए, जब इसका कलर कुछ ऐसा हो जाएगा तब आम अच्छी तरह से बॉईल हो गया है। आप इसको हल्का सा टच करके भी देख सकती हो। फ्लेम ऑफ करने के बाद एक चिमटे की हेल्प से इसको ऐसे बाहर निकाल लें। निकालने के बाद इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर हल्का ठंडा होने दें। उसके बाद हम आगे की प्रोसेस को देखेंगे और इसके ऊपर ये जो ब्राउन वाले पार्ट्स निकले हैं आप उसको हाथों की हेल्प से या नाइफ की हेल्प से हटा दें। हल्का ठंडा होने के बाद आप ऐसे आम को निकाल लें। निकालने के बाद जो छिलके हैं इसके, उसको भी हम अभी फेंकेंगे नहीं, बाद में स्पून या नाइफ की हेल्प से इसकी भी पल्प को निकाल लेंगे। ये देखिए, अभी इसमें बहुत ज़्यादा पल्प है, हम इसे ऐसे नाइफ की हेल्प से निकालेंगे। नाइफ की हेल्प से या स्पून की हेल्प से भी आप इसे बहुत ईजिली निकाल सकते हैं। ऐसे ही सारा निकाल लें और बोल में ऐड करने के बाद ये जो गुठलियाँ हैं इसके पल्प को ऐड कर देंगे। हल्का सा वाटर ऐड कर देंगे और थोड़ी देर ऐसे छोड़ देंगे तो पल्प बहुत ईजिली ऐसे निकल जाएगा। हाथों के हाथ से ये बहुत ईजिली ऐसे निकल जाता है। और गुठलियों को निकाल दें। निकालने के बाद हमारा मैंगो पल्प तैयार है। अब हम आगे के प्रोसेस को देखते हैं। इसे स्मूथ बनाने के लिए हम इसे एक मिक्सचर जार में ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम इसमें कुछ मसाले और शुगर ऐड करेंगे। सबसे पहले हम इसमें मिंट लीव्स ऐड करेंगे। आप इसे अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हो। मिंट लीव्स ऐड करने से ये पेट को काफ़ी ठंडा रखता है और बहुत ही रिफ्रेशिंग लगता है। इसमें लगभग 1/2 कप शुगर ऐड कर दें। शुगर की प्लेस पे आप गुड़ का भी यूज़ कर सकते हो। आप इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें और इसमें लगभग 1 टीस्पून भुना हुआ जीरे का पाउडर और भुनी हुई सौंफ का पाउडर ऐड करेंगे। इससे ये काफ़ी टेस्टी लगता है। अमाउंट आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। इसी के साथ ही 1 टीस्पून काला नमक ऐड करेंगे। हम इसमें काला नमक ही ऐड करेंगे। ढक्कन बंद करके 2 से 3 बार मिक्सर चलाएं और बिल्कुल बारीक इसको पीस लें। देखिए, अभी ये पीसना स्टार्ट हुआ है। थोड़ी देर के बाद ये बिल्कुल ग्रीन हो जाएगा। हमें इसको इतना ही पीसना है जितने में ये बिल्कुल चटनी जैसा ना बन जाए, बिल्कुल बारीक। ये देखिए, अब ये बिल्कुल चटनी जैसा बन गया। आप इससे कई सारे ग्लासेस बना सकते हो पन्ना की। आप इसे 2 से 3 दिन तक स्टोर करके जब मन चाहे तब आम का पन्ना बना सकते हो। ये देखिए, इतनी कंसिस्टेंसी। अब हम आगे के प्रोसेस को देखेंगे। पहले आप इसे एक बोल में अच्छी तरह से निकाल लें। निकाल के आप इसे फ्रीज में भी रख के स्टोर कर सकती हो और फिर तुरंत बना के भी सर्व कर सकती हो। और ये जो मिक्सचर जार में बचा है आप इसमें हल्का सा वाटर ऐड करके पन्ना तैयार कर सकते हैं। इसको फेंके ना। हमारा आम पन्ना का मिक्सचर बनकर तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले हम ग्लास में बर्फ के पीसेज ऐड करेंगे। आप इसे अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। हम ऐसे ग्लास में बना रहे हैं। आप चाहें तो कोई बड़े बोल में ऐड करके डायरेक्टली बना सकती हो। ये देखिए, अब इसमें हम ये जो चटनी बनाए हैं इसको ऐड कर देंगे। आप इसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना ऐड करना चाहे ऐड कर सकती हो। हम इसमें लगभग 2 टेबल स्पून ऐड कर रहे हैं। 2 टेबल स्पून में ही पन्ना बिल्कुल परफेक्ट टेस्ट का बन जाता है। ऐसे ऐड करने के बाद ऊपर से हम बिल्कुल चिल्ड वाटर ऐड करेंगे। ये प्रोसेस आप चाहें तो कटोरे में बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लें सारी चीज़ें जो जो हम ऐड कर रहे हैं, और फिर उसके बाद जग की हेल्प से आप इसमें सर्व करें। ऊपर से बिल्कुल चिल्ड वाटर ऐड करें, पूरा ऊपर तक वाटर से भर दें। भरने के बाद अब एक स्पून के हेल्प से हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि जो हमने पल्प ऐड किया है वो पूरे वाटर में बिल्कुल ईजिली मिक्स हो जाए, जिससे पन्ना का टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट आता है। कि देखिए, पन्नी का कलर कितना परफेक्ट है। मार्केट वाले इसमें फूड कलर का भी यूज़ करते हैं। आप चाहे तो आप भी यूज़ कर सकते हैं। आम के स्लाइसेस पे ऐसे रेड चिली पाउडर ऐड करें, उसके बाद ग्लास में ऐसे लगाएं जिससे ये देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। और ऊपर से बर्फ के पीसेस ऐड कर दें जिससे ये काफ़ी रिफ्रेशिंग लगता है।
और इसी के साथ ही फ्रेश मिंट लीव्स ऐसे ऐड करें। देखने में कितना बढ़िया लग रहा है और ये उतना ही रिफ्रेशिंग और हेल्दी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। हमारा समर स्पेशल मैंगो पन्ना बनकर तैयार है, आप इसे समर सीजन में ज़रूर ट्राई करें। और हमने समर्स की बहुत सारी रेसिपी शेयर की हैं, ड्रिंक्स, आइसक्रीम, आप उसे भी ट्राई करें। मैंगो की और भी रेसिपीज हमने चैनल पर शेयर की हैं, आप ट्राई करें। और रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। और हमारे अगले वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।